क्या हुआ मॉम, कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी हकापोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम, मैंने और विवान ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो, क्या कहते हैं धरती वाले, मैंसम। मैंसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा, दिखेगा फिर कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा आना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला, बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे अरे, लेकिन पापा जी आप जाएंगे? माँ ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। तुम्हें चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो आलो आलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे? ओ नो, क्या हुआ? मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया, मैं नहीं आऊंगा आप लोगों से, जा। देवू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपनी कमिटमेंट से यू टर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डबू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना, पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देवू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हो, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देवू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देवू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी मायसेल्फ राजन पाल, मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है।
और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बापा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, अरे रुको, अरे सुनो डब्बू में, अरे नहीं नहीं डब्बू नहीं। और कितना दूर तक भागोगे डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना वैसे। ओ हेलो हेलो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए तुम्हारे स्टॉन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ, नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीर तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ हाँ तो बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया? देख लिया मतलब? ऐसे कैसे देख लिया, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। अरे वो ही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरे बात तो सुनो, माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है, ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है, देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ है। देखना सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई ये लो, गर्मा गर्म चाय पी लो भाई। ओ क्या है ना, इसमें सॉस तो नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज से देना चाहती हूँ ना इसीलिए। मानस से के मानस से गर्मा गर्म चाय को ठंडा जूस की तरह कटपटा है। हाय हाय, तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू? यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था, इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट नीचे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, एक मिनट के लिए बालवीर से मिल के लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। तुमने जीरो साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बाप्पा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो समझे। मूर्ति तो बन जाएगी लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर जहाँ कहीं भी है बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना?
यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने से थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। That is great, very great. But अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना तो एक सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या great not great कर रहे हो तो? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुम उसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ ओके ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट देके रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ साची बात हो दादाजी, आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली। हाँ, डायबिटीज सही जशन है। ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। स्ट्रेंज जंगल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभड़ो सांभड़ो सांभड़ो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है वो। क्यों? अरे क्यों किया, इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो और तो और, ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी ऐसे क्यों बोल रही हो, हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट ना। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ,
आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाती हो ना भाई। है आओ जो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका पान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की, बिल्कुल सही बात की करो ना बहन, चाय पच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया, नहीं मैं लाया था यही कहीं पे होगा, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आई ले जुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था, मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं मुंह, बस मुकुट हो गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो, एकदम सेम टू सेम स्केच बना दिया नकाब पोश का, वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। गणपति जी? ओ सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी, अब तुम भी प्रणाम करो। हा? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस अरे मिठाई है मिठाई, अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए, भागो। ये कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। सबकी जानने में बालवीर कैसे बने? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बाप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली बावर्ची यूज करनी ही होगी। भैया
कहीं एवज बुरे शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची वाची हो फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। चूहे तो फिर से भटक गए जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यही कहीं आसपास है।